हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, गणित विषय में हमारा चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि बाई डिविजन मैथड। तो चले बच्चे, चलते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाग विधि के द्वारा, यानी डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरीके से किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। तो बच्चों, जैसे आपके सामने ये संख्या दिख रही है और इस संख्या के ऊपर एक तरीके का चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह हमारा कहलाता है वर्गमूल, यानी कि इंग्लिश में बोले तो अंडर रूट। तो हम इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करते हैं, आइए हम शुरू करें। तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी जाती है उसको हम लिख लेते हैं 7 3 4 4 1। थोड़ी सी हर एक संख्या के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी करेंगे जिससे कि वो क्लियरली आए। फिर हम इकाई के तरफ से, यानी कि देखा जाए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जोड़े बनाना, दो दो अंकों को लेकर के 1 और 4 का एक जोड़ा इकाई की तरफ से। ये हमेशा याद रखना, ये होता ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से। तो इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने 1 4 का एक जोड़ा बनाया और फिर हमने 4 3 का एक जोड़ा बनाया। लास्ट में यदि जोड़ा बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उसको हमने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद थोड़ी गैपिंग करी और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमने बनाई। अब हम कैसे करेंगे ये देखना है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी पिछली जितने भी 2 क्लासेस आपके लिए, हर एक उसमें आपसे बोला कि कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आप लोग याद कर लीजिए। तो जैसा कि आपने याद भी कर रखा होगा तो उन्हीं वर्गों को अब दिमाग में रखेंगे हम लोग, माइंड में, कि अब सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर हमारे पास क्या है, 7, क्योंकि ये अकेला नंबर बचा। इस अकेले नंबर, क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो जो बचा उसी को देखेंगे कि 7 हमारा किस वर्ग में आता है। तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने 1 से लेकर के कम 10 तक के वर्ग लिख के रख रही हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे मुझे समझाने में और आपको समझने में। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, जैसे 2 2 4, 3 स्क्वायर यानी 3 का वर्ग होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। कम से कम आप, अभी मैं आपके समझाने के लिए 1 से 10 तक के वर्ग लिखे और हमने देखा कि इन वर्गों के मान ये हैं। अब हम इधर सवाल पे आते हैं धीरे से। 7, अब आपको ये देखना है कि 7 किस वर्ग में आता है। तो आपने जैसे याद रख रखा है और अभी मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आप ये देखिए कि 7 किस वर्ग में आता है। देखिए, देखा जाए तो 7 वैसे आ रहा है 4 और 9 के बीच में, तो 2 का वर्ग पड़ता है 4 और 3 का वर्ग पड़ता है 9। तो जब हम किसी भी संख्या का वर्ग लेते हैं तो वो संख्या जो दी गई संख्या है या तो वो उसके बराबर हो, पहली शर्त, या उससे छोटी हो। कभी भी दी गई संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने देखा कि 3 का वर्ग तो 9 हो गया जो कि 7 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, और 2 का वर्ग 4 रहा जो कि क्या है, 7 से छोटा है, और 7 तो आता ही नहीं किसी के संख्या में, के वर्ग में। सो हम लेंगे 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और जैसे ही 2 लिखेंगे वो ऊपर भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 2 आया, 2 2 4, यहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि हमने वर्ग ले कर रहे हैं, तो जो हमने वर्ग यहाँ पर लिखा है उसी के मुताबिक यहाँ को हमने लिख करके लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब इस वाले 2 और 2 को ऐड कर लिया, प्लस करते हैं, और जब प्लस करते हैं तो उसके सामने नहीं लिखेंगे, उससे थोड़ा सा हटके लिखेंगे दूर, ताकि नेक्स्ट नंबर के लिए हमारे पास जगह रहे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइनस कर लिया, 7 में से 4 गया 3। अब हमने अगला नंबर उतारना है क्योंकि अभी कंप्लीट हुआ नहीं। तो ये याद रखेगा कि जब हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा पूरा नंबर जो उतारेंगे पेयरिंग के साथ उतारेंगे, इसलिए जोड़े बनवा दिए गए। पहले अकेला यहाँ 7 बचा था तो 7 के साथ हमने काम किया, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट नंबर उतारना पड़ेगा विद पेयरिंग 3 4 यानी 34, तो जो नंबर है उसी के एग्जैक्ट सामने उतारेंगे। ठीक, अब हमारा ये बन गया पूरा नंबर 334। अब इस तरीके से देखेंगे कि जो यहाँ पर नंबर है 4, उसके बगल में ऐसा नंबर रखेंगे या तो 334 से बराबर आए या 334 से छोटा आए, कभी भी बड़ा ना आए। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं 1 से शुरू करते हैं 1 2 3, ऐसे हम वर्ग
भी स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से, तो देखना पड़ेगा कि 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही रह जाएगा, जो कि बहुत छोटा है। और 4 जनरली किस वर्ग में आता है, या तो 2 के वर्ग में आता है या फिर आपके किस के वर्ग में आता है, 8 के वर्ग में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। तो 8, 8 जा 64, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, 84 ही आएगा, लेकिन हमें नंबर चाहिए 334 के अकॉर्डिंग। तो मुझे जहां तक समझ लगता है कि हम नंबर 8 लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा, चूंकि बच्चों हमारी स्टार्टिंग है तो हो सकता है हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगे शुरू शुरू में, तो कोई घबराने की बात नहीं, आप धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। यदि हम 8 लेते तो ये नंबर बन जाता 48, यहां पर हम यदि 8 लेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 48, और यहां भी 8 लिखेंगे, और जो यहां पर लिखा जाता है उसी के इससे मल्टीप्लाई करी जाती है। तो 48 को 8 से ही मल्टीप्लाई करो, 8, 8 जा 64, कैरी 6, 8, 4 जा 32, और 32 में आप 6 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 38, ये आ गया आपका 384, जो कि क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लेंगे, सॉरी अब हम इसका नेक्स्ट लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इससे पहले वाला नंबर फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 334 के बराबर आए या 334 से छोटा आए। तो अब हम नंबर लेंगे 7, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो इस तरफ भी 7 रखेंगे, क्लियर। अब इस 7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 47 से, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7, 7 जा 49, कैरी 4, 7, 4 जा 28, और 28 में आप जब 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा आपका 329, ये यहाँ पर 329 लिख देंगे। मान लीजिए आप इधर अलग से रफ कॉपी रफ वर्क नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7, 7 जा 49, और आपने कैरी 4 ले लिया, 7, 4 जा 28, और 28 में 4 ऐड किया तो 32, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हमने वही सेम प्रोसेस करा, 7 यहाँ लिखा तो यहाँ नीचे भी लिख देंगे, क्योंकि अब स्क्वायर चल रहा है, तो यानी हर काम दो दो करेंगे। 7 को 7 में ऐड करा, 14, कैरी 1, 5, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा सा दूरी रखेंगे, क्योंकि हमें अगले वाले मेथड के लिए या अगले वाले सोल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर जगह चाहिए होगी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 14 में से आपका 9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, यस करेक्ट, 5 है ना, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना लिखिए, नहीं तो कोई इशू नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट पेयरिंग उठानी, क्योंकि नेक्स्ट पूरी पेयरिंग आप देखें तो कितनी बच रही, 41, तो 4 के नीचे 4 उतारेंगे और 1 के नीचे 1, ठीक है। अब वही सेम चीज शुरू कर देंगे कि हमारा ये है 541, तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, वर्ग लेंगे कि या तो 4, 541 आए या उससे छोटा आए, कभी भी बड़ा ना आए। तो अब आप खुद ही देखो, यहाँ 54 ऑलरेडी है, बस 1 चाहिए, तो इसका मतलब 1 का वर्ग लेंगे, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 हम यहाँ भी लिखेंगे। अब इस 1 की मल्टीप्लीकेशन किस में कर देंगे, 541 में, तो 1, 1 जा 1, 1, 4 जा 4, 1, 5 जा 5, इस तरीके से ये आपका 0 आ गया, ठीक। तो ये फाइनल आपका वर्गमूल निकल आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 73,441 का जो रूट है वो कितना है, 271, दिस इज द आंसर। तो इतना ये आपका बेटा फेयर वर्क है, बाकी ये रफ वर्क है। यहाँ पर ये सिर्फ हमने तुम्हें दिखाने के लिए ये वर्क लिखे हैं, वैसे आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको अपने माइंड में ही रखना है 1 से 20 तक के वर्ग हर एक बच्चे के दिमाग में होंगे, तो उसी के साथ साथ हम इस तरीके से सवालों को कर सकते हैं। तो आइए एक आपके सामने और क्वेश्चन कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ लग जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है आपके सामने, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी दी गई संख्या होती है इसकी पेयरिंग कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले संख्या उतारेंगे 4, 9, 3, 7, 2, 8, 4, और अभी जैसा कि बताया था कि बच्चों बीच में गैपिंग अच्छी सी रखनी है। अब हम इकाई की तरफ से दो दो की पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयरिंग ये हो गई, एक पेयरिंग ये हो गई, और एक पेयरिंग ये हो गई, लास्ट में 4 बचा, कोई बात नहीं उसे हम सिंगली छोड़ देंगे, एंड देन इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या है 4, अब हमें पता है कि 4 किस वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में आता है, 2, 2 जा 4, सो स्टार्ट कर देंगे, 2 यहाँ रखेंगे, और जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को नीचे उसके रखते हैं और उसी के ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है।
अब इस तरीके से हमने इस तरह करा, टू टू जा फोर हो जाएगा, टू में टू ऐड हो गया तो ये फोर हो गया। जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो थोड़ी सी गैपिंग इधर छोड़ देते हैं, फोर में से फोर माइनस हो गया तो शून्य हो गया, तो हम नेक्स्ट पेयरिंग उतारेंगे 93। हमेशा याद रखिएगा जब हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल करते हैं तो पेयरिंग के साथ ही नंबर उतरते हैं और उसी की सीधाई में। अब हमने देखा कि नंबर हमारा यहाँ बना 93 और यहाँ नंबर है हमारे पास 4, तो 4 के बाद ऐसी कौन सा वर्ग ले जिसमें 93 आ जाए या 93 से छोटा आ जाए। तो ये तो हमें पता ही है कि पूर्ण वर्ग के अकॉर्डिंग 93 तो किसी में नहीं आता है, तो 81 आएगा और फिर नहीं तो हमारा पूरा सीधे 100 आएगा। तो हम क्या करें, इसमें 2 से ही करें, क्योंकि जब हम 2 करेंगे तो 48 आएगा। देखिए 2 यहाँ भी करा और 2 इधर भी कराए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, क्लियर। अब जो 2 हमने लिखा उसी के नीचे फिर से हम ऐड कर लेंगे और इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, ये वाला 4 एज इट इज उतर जाएगा, माइनस करा तो 13 में से आपका 4 चला गया तो बचता है 9, ठीक है। और इधर तो फिर 8 में शून्य हो गया। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग उतार लेंगे 72 72 के बिल्कुल सीध में। अब हमने देखना है कि ये 44 नंबर हो गया, यहाँ पर 972, तो कौन सा नंबर ले, यदि 1 लेते हैं तो 1 लेने पर तो 441 ही बनेगा, तो जो कि हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम 2 ले लें तो 2 4 8 तकरीबन 800 समथिंग कुछ आ जाएगा, सो हम अगेन 2 ले लेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 442 में करेंगे। 442 में यदि मान लीजिए आप वर्बली नहीं कर पाते तो रफ वर्क की तरह इस तरीके से भी कर सकते, 2 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8, सो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 884 और 2 नीचे भी ऐड कर लेंगे, इस तरफ 2 ऐड कर लेंगे और इधर वाला हम माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर शून्य बचेगा, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब हमारी नेक्स्ट पेयरिंग उतर जाएगी 84, ठीक है। अब देखते हैं कि हम फिर कौन सा नंबर लें, तो देखिए वैसे ही समझ लग रहा है कि 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यानी हम 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल वैसे ही नंबर आ गया, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 ले लिया, 2 2 जा 4, आप यदि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप एक के ऊपर एक रख के रफ वर्क भी कर सकते हैं इस तरीके से, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 आ गया 8 8 8 4, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, शून्य।